कल हमने इफेक्ट्स ऑफ वॉर पढ़ा था, आज जो पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, इसमें क्या हो रहा है इन बर्थ ऑफ आई मे रिपब्लिकन से कोइंसाइड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द सपोर्टिस्ट लीग ऑफ द पैटर्न ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑन रशिया। लोग बहुत तंग आ चुके थे, वो यही चाहते थे, बहुत सारे लोग जिसमें कंजर्वेटिव ज्यादा थे वो बोल्शेविक तहरीक की तरह कम्युनिज्म निजाम चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिशिंग इन मैनी सिटीज, उन्होंने बहुत सारे शहरों में सोवियत के लोगों को लगाया काम पर और सेलर्स को लगाया काम पर और बहुत सारे उंजमने बना दी गई। द अपोजिट टू सच द सोशलिस्ट्स डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स मैट इन वेमियर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेट। इसके बरक्स जो रिपब्लिक थे, डेमोक्रेट्स थे, कैथोलिक्स थे, सोशलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका अपोज करना चाहा, तो उन्होंने वेमियर में एक तहरीक चलाई, वहां मिले तो कि अपने मुल्क में वो डेमोक्रेटिक शेप अपने मुल्क के लिए एक डेमोक्रेटिक निजाम बना दे। द वेमियर रिपब्लिक क्रशर द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वॉर, और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उन लोगों को जो बोल्शेविक तहरीक चलाते थे उनको क्रश किया गया। इन द ऑफ द वॉर वेटरन ऑर्गेनाइज कॉल्ड फ्री क्रॉप्स, उन्होंने अलग अलग जो तंजीमें हुए फ्री क्रॉप्स यानी एक तरह की आजाद फौज, इनको मिलिटेंट कहा जाता था, इनको ट्रेनिंग दी गई ताकि वो उनके खिलाफ लड़े। सेपरेटिस्ट्स लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, और उन्होंने क्या, सेपरेटिस्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बना दी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हेनसफोर्थ बिकेम एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर, ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए और ये हिटलर के लिए एक परेशानी, उन्होंने एक कॉमन कॉज उसके लिए नहीं बनाया। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर, बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट क्रेव्ड फ्रॉम रेडिकल सोल्यूशन। क्या हुआ कि उन्होंने एक दूसरे पर कोशिश की किया, एक दूसरे पर काबू पाए, तो इसमें ये परेशानी हो गई। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटनर बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। इससे ये हुआ कि पॉलिटिकल क्राइसिस, लोग परेशान हो गए, लोगों को रोटी रोज का मसला, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो सहम गए। तो इसमें क्या हुआ कि जर्मनी ने अपनी करेंसी जो है, जो उनको सोना देना पड़ता था, जो इनके 6 बिलियन रुपये अदा करने थे, मार्क्स देने थे सोने में, तो उन्होंने 1923 में इसका इनकार कर दिया उस एलायंस के खिलाफ। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कागज के नोट छापे जिनको मार्क कहा जाता था। तो हम देखेंगे 1924 में डॉलर की कीमत क्या थी उस वक्त, एक डॉलर खरीदने के लिए अप्रैल में हमें 24,000 मार्क देना पड़ता था और जुलाई में यही 353,000 353,000 हमें अदा करने पड़ते थे। अगस्त में 46,1,000 देना पड़ता था और दिसंबर में 9,80,000। इस तरह ट्रिलियनों में हमें एक रोटी खरीदने के लिए बेटो हमें बड़े बड़े बक्से पैसों के ले कर जाना पड़ता था। ये उस वक्त के बड़े बड़े पेपरों में छप गया। इस पर यूएस को थोड़ा रहम आ गया तो यूएस ने इसके लिए थोड़ी मदद की। जो इकोनॉमी थी जर्मनी की वो ख़त्म हो चुकी थी, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे। एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस क्योंकि मुतहद नहीं थे लोग, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस, रोजी रोटी का मसला था, शेल्टर का मसला था, और मुल्क में कत्ल गारत गर्दी थी और बहुत सारे लोगों का कत्ले आम हुआ था। इन हालात में जर्मनी
गुजर रही थी। इन हालात को मद्देनजर रखकर हम देखेंगे यूरोप जो पैसे देने वाला था, जो जर्मनी ने लोन्स लिए थे जंग के लिए, उसको इसका लोन के लिए जो पैसे अदा करने पड़ते, उसके जो सूद देना पड़ता था, उसके लिए भी कर्जे लेने पड़ते थे। प्यारे बच्चों, ये उस जमाने के हालात और आज के जमाने में बहुत अंतर है। और पहले पहले यूरोप पूरी दुनिया को कर्जा देता था, आज हम देखेंगे, आज उस जमाने में जब हम देखेंगे तो उस वक्त उनको कर्जा लेना पड़ता था। थैंक्स।